हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आ चुके हैं हम लोग एक और व्लॉग के साथ। दोस्तों आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, स्पेशली फॉर ऑल बुल्स लवर। ठीक है, देखो क्या है ना कि दानकुनी, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे कैटल फार्म्स है, लेकिन जब मैं विजिट करता था ना तो उतना ज्यादा 2023 का कलेक्शंस नहीं आया हुआ था। ठीक है, मतलब बिगेस्ट बुल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा सांड, तो वो नहीं आया था। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब आएगा, लेकिन फाइनली हल्दीराम, जो कि सबसे नामी कैटल फार्म है दानकुनी का, हल्दीराम, ठीक है, उनका तीन बहुत बड़ा बड़ा सांड आया, मतलब के बुल, ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा अल्टीमेट लेवल का, ठीक है, तो उसका आज हम लोग व्लॉग बनाने वाले हैं जाकर के। उम्मीद करता हूं आप सबको ये जो व्लॉग आज का आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना आप लोगों को तो एक लाइक मार दो, नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक कर दो, एक सेकंड लगेगा, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को दानियल व्लॉग्स, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हम बनाते रहते, तो लाइक जरूर करते जाना। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं दानकुनी की तरफ। हल्दीराम का आज आपको दिखाएंगे 3 गेस्ट बुल्स ऑफ 2023 कलेक्शंस, ठीक है, तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं और डायरेक्ट आप लोगों से बाहर मिलते हैं। देखो भाई, अभी तो हम लोग है दानकुनी में, ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दानकुनी का सेकेंड नंबर गली। स्टार्टिंग में आए थे तो उतना था नहीं, ठीक है, बहुत ही कम जानवर था, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या है, नहीं है, कितने जानवर अभी हैं फिलहाल हल्दीराम में, देखते हैं, आपको अपडेट देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड गली में, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को लाइक तो कर दो यार, एक लाइक। तो चलो अभी चलते हैं पहले। देखो भाई, अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं, ठीक है, और अगर दानकुनी का तुम लोग दो गली बोलोगे ना तो पहला गली यहीं पर सामने में पड़ता है और दूसरा नंबर गली जो है वो आगे पड़ता है, लेकिन दानकुनी में तीसरा नंबर भी गली है जो कि है गोबरा में, ठीक है, दानकुनी का थोड़ा आगे है गोबरा, 1 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर है तीसरा नंबर गली। तो टोटल जो है दानकुनी में 3 गली ओवरऑल। देखो भाई, सेकेंड गली है, ठीक है, दानकुनी का, अभी इसके अंदर चलते हैं, आपको यही गली के अंदर दिखाने वाले हैं। अच्छा, तो भाई अभी हम लोग हल्दीराम जा रहे हैं, ठीक है, और हल्दीराम में इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पर 3 सांड आया है और उसका आप लोगों को हम दिखाएंगे, ठीक है, तो आज का व्लॉग उसी पर होने वाला है। तो आज मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगा, तीनों सांड जो आया है नया नया वो 2023 के लिए, वो डायरेक्ट मिलते हैं आपको हल्दीराम खटाल में। भाई देखो, ये हल्दीराम का है, ठीक है, तो हल्दीराम का ये 2023 का ये जानवर है, देख सकते हो तुम लोग सामने आपके। तो अभी जो है हम आए यहाँ पर दानकुनी में और देखने को मिला ये, ठीक है भाई साहब, इसका थाप मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या ही बोलोगे आप। और ये सांड जैसे देख सकते हो बुल है, ठीक है ना, तो अब इसका आपको फुल फ्रेम में जानवर दिखता होगा भाई साहब, अल्टीमेट लेवल का, ठीक है। तो अभी मुझसे बात भी हुआ इनके ओनर से, तो ये बताए हैं 3 ठो लाए हैं, तो टोटल इसका मैं आपको पहला दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई साहब मतलब अलग लेवल का ये जानवर है यार, क्या ही बताओ, झालर देख रहे हो, मतलब जो है ये सांड है, इसका बधिया नहीं कराया गया, ठीक है, अभी तो आने वाले दिनों में करवा दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी हाइटेड है ये जानवर, चूजिंग जो हुआ है ना बहुत अल्टीमेट है, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस जानवर का सबसे पहला बात तो ये लग रहा है ना कि ये एग्रेसिव तो है, ठीक है, सांड है, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है वो है उसका ये सलामी, देख सकते हो तुम लोग, मतलब कि तुमको कैमरा में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा भारी है, ठीक है ना, तुम लोग देख ही सकते हो इसका जो ओवरऑल सीना का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा झालर में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बैल बनाने का जो है, बैल बना दिया जाएगा इसको, ऑक्स मतलब जो है बधिया करवाना, इसको बोलते हैं हम लोग सांड से जो है बैल बनाना, कास्ट्रेशन, तो वो जो है थोड़े दिनों बाद होगा। जो हाइट देखो, दूर से दिखाता हूँ, ये देखो जानवर का तुम लोग फुल फ्रेम में देखो, जो 2023 के लिए कलेक्शंस के लिए रेडी है, ठीक है ना, मतलब हो रहा है अभी। और दानकुनी का जो है ना हल्दीराम जो है फेमस खटाल है, ठीक है, तुम लोग सब जानते ही हो, उसमें ये जानवर रेडी हो रहा है, ठीक है, तो तुम लोग को दिखा रहे हैं हम थोड़ा। तो ये जानवर को मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, हल्का सामने से भी देखो, थोड़ा सा एग्रेसिव है, मुझे संभल के बनाना पड़ा, और एकदम नया लॉट आया, ठीक है ना, एकदम नया लॉट आया है। और इसका ये पोर्शन देखो, मतलब तुम क्या बोलोगे इसके बारे में। अच्छा, ये सब जो है ना दोस्तों वो अभी तैयार हो रहा है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, जो झाला लटक रहा है ना, मतलब कि देखो ये देखो, ओहो माशाल्लाह, बहुत उमदा, अलग लेवल का है। तो टॉप 3 बुल्स अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको हल्दीराम का, तो ये आप लोग पहला देख लो, ये तो पहला हो गया, ठीक है, ये पहला जानवर आपको दिखा चुका हूँ मैं पूरा फुल। तो इसका थोड़ा सा आप लोग देखो, 30-40 सेकंड का हल्का सा शॉर्ट्स देखो जो अभी रिकॉर्ड किए हैं हम।
अच्छा तो दोस्तों पहला बुल दिखा चुका हूँ मैं आपको, ये रहा। ओए हो क्या लग रहा है, देख रहे हो? तो ये वाला पहला था भाई साहब, अलग लेवल का है, मतलब कि झालर बोलो थाप, देखो इसका थाप जो होता है ना बैल मेक होता है ना, कि अगर बैल ले रहे हो बजट हाई है, ठीक है 6 लाख 7 लाख अलग लेवल का बजट है। तो बैल का जो दो चीज़ सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए वो है सलामी, दूसरा नंबर हाइट, तीसरा नंबर उसका झालर। अगर ये तीनों चीज़ परफेक्ट है, हाइट झालर और थाप तीनों सलामी, तो वो काफ़ी अलग लेवल का बैल होता है, जो कि इसमें सब ऐसा मतलब कि बहुत अल्टीमेट लेवल में है, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। तुम थाप देख ही सकते हो यार, मतलब किस लेवल का है। तो ये पहला बुल है, दूसरा नंबर देखो तुम लोग, तो ये दूसरा नंबर देखो आप लोग, दूसरा नंबर बुल है। पहला नंबर वो था जो कि दिखा चुके हैं, ये है दूसरा नंबर। अभी ये भी जो है ना 2023 कलेक्शंस के लिए जो है रेडी हो रहा है, और ओवरऑल इसका आप ये देखो पहला सलामी, ठीक है। और मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये काफ़ी एग्रेसिव है। अच्छा इसका भी झालर जो है ना वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। स्किन का क्वालिटी अभी और अच्छा हो जाएगा, लेकिन देख सकते हो मतलब बैल का जो एक होता है ना हाइट, वो काफ़ी ज़्यादा है हमसे, मेरे से ऊपर है भाई, ये मत सोचो मेरे हाइट से भी ना कम से कम एक हाथ ऊपर है, ठीक है। एक बार ये देखो झालर के ऊपर गौर करो, और अगर मैं आपको फुल बॉडी दिखाता हूँ माशाल्लाह, तो दूर से आपको पूरा फुल बॉडी दिखता होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बढ़िया करवा दिया जाएगा आने वाले दिनों में कास्ट्रेशन जो होता है, जैसे देख सकते हो ये भी सांड है, ठीक है। और ओवरऑल अभी बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अभी हल्दीराम जो है 3 सांड लेकर के आया है, ठीक है। तो उसमें से पहला नंबर ये है, ओए होए होए माशाल्लाह भयंकर अलग लेवल का डेंजरस ऑक्स, ठीक है। तो अभी इसका जो सीना का बारे में एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, जो बस इसका फेस के जस्ट निकलते ही काफ़ी अच्छा से मतलब जो है बनावट जो है ना सीना का निकलना शुरू हो चुका है, ठीक है। एक हल्का सा निकला इस एरिया में, बस देखो ये वाला ये पोर्शन जहाँ पर उंगली दिखा रहा हूँ मैं, बस उसके मुंह के जो नीचे से ही जो है झालर निकलना शुरू हो गया, और काफ़ी अच्छा से जो है ये झालर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेंथ है और एग्रेसिव भी है काफ़ी ज़्यादा, ये समझ में आ रहा है। और ओवरऑल आप इसका ब्यूटी देखो, ठीक है, माशाल्लाह से इसका थाप, दोनों का थाप, एक उसका थाप और इसका, दोनों का थाप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ओहो माशाल्लाह। और ये दूसरा नंबर बैल है, ठीक है। तो फुल फ्रेम में ये दिख ही रहा है आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। तो ये 2023 कलेक्शंस के लिए रेडी हो रहा है हल्दीराम का, ठीक है। माशाल्लाह हाइट देख रहे हो जानवर का, तुम लोग को क्या ही बताऊँ मैं, अलग लेवल का बुल है ये असल में, और कास्ट्रेशन नहीं हुआ इसका, तो मतलब मन कर रहा कैमरा हटाए ही ना रखे। तो ये कुछ बैक शॉट्स है, आपको थोड़ा सा बैक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये रहा बैक का शॉट्स, ठीक है। तो ये बैक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आप लोग हल्का सा शॉट्स 30-40 सेकेंड्स का एंजॉय करो। Her yer ihtilaf, şer ve istila. Bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak bu dağ, flow mus'ab. Manatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yok az derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız işinde. तो भाई दूसरा बुल जो है ये था, ठीक है। ये देख सकते हो दूसरा नंबर बुल जो है मैं आपको दिखाया हूँ, अलग लेवल का भाई, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अलग लेवल का हाइट, झालर, सलामी, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका भी जो है ना कास्ट्रेशन नहीं हुआ है, और ये अभी नया सब तीनों जो है नया आया है, हाल फिलहाल आया है, मतलब 1 वीक हुआ होगा हद से हद, ठीक है। अच्छा दोस्तों अभी तीसरा नंबर बुल आपको दिखा रहे हैं, तीसरा नंबर में ये आपके सामने है, ठीक है।
और इसको मैं हल्का सा अभी खड़ा करके दिखा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो है ये भी सांड है जैसे देख सकते हो आप लोग, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभी अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइट ज़्यादा क्योंकि अभी बैठा हुआ है। और अगर मैं फेस की बात करूँ तो देख सकते हो आप लोग काफ़ी अलग लेवल का, हल्का सा आंध्रा का मुझे फीलिंग दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आंध्रा का जो फेस होता है ना, एक फेस से समझ में आता है आंध्रा का ब्रीड है भाई, ठीक है ना, तो उससे मुझे ये लग रहा है। देखते हो आप लोग इसका ओवरऑल ब्यूटी मैं दूर से दिखाता हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है ये बैठा हुआ में लग रहा है। अच्छा तो ये अभी खड़ा हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो इसका। सबसे पहली चीज़ जो है ना, हाइट उस दोनों के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेवी है, देख सकते हो हाथी लग रहा है, मतलब ना इतना हेवी वेट जो है ना ये लेकर के अपने ऊपर, क्या ही बताऊँ। झालर के ऊपर देखो आप लोग, डीप सांस ले रहा है बार बार, देख सकते हो, हल्का सा आवाज़ दिखाने की कोशिश करते हो, डीप सांस ले रहा है। तो इसका जो है ना, ये भी अभी सांड है, ठीक है, और तुम देख ही सकते हो बहुत हेवी वेट है, बहुत हेवी वेट, मतलब इस हाइट में इतना हेवी वेट को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता होगा इसके लिए। और इसका एक बार ओवरऑल ऊपर का देख सकते हो सलामी, ठीक है, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट है। अभी स्किन का कलर आपको उतना अच्छे से दिखता नहीं होगा क्योंकि अभी जो है देख सकते हो थोड़ा सा अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ दूर से ऐसा आपको कुछ व्यू मिल रहा है इस सांड का। तो दोनों जानवर जो मैंने आपको दिखाया वो पहला और दूसरा से थोड़ा सा ये नीचा है, झालर में कोई कमी नहीं है और हाइट में हल्का सा शॉर्ट है बस, बाकी तुम देख ही सकते हो इसका वजूद माशाल्लाह। फेस के ऊपर गौर करो, यहाँ से देखो तुम लोग, तुमको समझ में आता होगा जानवर का भयंकरपन, डेंजरस है बहुत। तो अभी मैं आपको अगर मूव करके दिखाऊंगा ना, तो पीछे का जो एरिया है और अगर मैं सामने के एरिया से बात करूँ तो बहुत हेवी वेट है, लेकिन झालर काफ़ी अच्छा लगा। ये जानवर का मेन चीज़ जो है ना झालर है, और सलामी भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये जानवर हो गया आप लोगों का हल्दीराम का तीसरा नंबर सांड, जो कि आया है अभी 2023 कलेक्शंस के लिए, और ये मैं आपको पूरा का पूरा दिखा चुका हूँ, बड़ा हेवी वेट है तीसरा नंबर वाला। और आपको कैसा लगा, कौन सा बेहतरीन लगा आपको तीनों में से, पहला या लगा कि दूसरा लगा या तीसरा लगा, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर था और वो था पहला नंबर, और फिर एक वहाँ पर जो था वो तीसरा नंबर था। तीन ठो दिखाए आपको, जो तीनों नया नया आया है, ठीक है, और गाय वगैरह जो है वो आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे, लेकिन अभी जो नया चीज़ आया है मेन डेंजरस वाला वो आपको दिखा चुके हैं। और यही रहा हल्दीराम का खटाल, देख सकते हो तुम लोग। अच्छा तो भाई तीनों साड़ आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, और एक यहाँ पर भी है जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। बहुत अलग लेवल का अच्छे से ग्रोथ हो रहा है तीनों का, काफी नया नया आया है 2023 कलेक्शंस के लिए हल्दीराम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हल्दीराम का 2023 कलेक्शंस का तीनों सांड जो है अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दे, एक सेकेंड लगेगा, लाइक कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को। चलो अभी घर मिलते हैं और आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं, घर मिलते हैं। अच्छा तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने वापस घर में, ठीक है, और मैं अगर हल्दीराम का 3 बिगेस्ट बुल्स की बात करूं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, तो बहुत ज्यादा अल्टीमेट था, बहुत अलग लेवल का था। तीनों का हाइट एक पर एक था, तीनों का हाइट बहुत अल्टीमेट था, चाहे वो अगर मैं सलामी की बात कहूँ, चाहे अगर मैं उसकी झालर की बात कहूँ, चाहे उसकी हाइट की बात कहूँ, तीनों में परफेक्ट था, अपने आप में था, किसी से किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करना भी होगा, बहुत माइनर कंपेयरिंग करूंगा, तो तीसरा नंबर जो मैंने बुल दिखाया आपको जिसका नाम था बॉक्सर, उसका हाइट हल्का सा शॉर्ट था, बस बहुत हल्का सा, वो बिल्कुल भी मतलब समझ सकते हो अगर दोनों एक साथ खड़ा रहेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे में बहुत हाइट था, ठीक है।
तो कुछ ऐसा था आज का जो मैं आपको व्लॉग दिखाया हूँ हल्दीराम का, जो 2023 कलेक्शंस के लिए 3 बिगेस्ट बुल्स लेकर आया है, नंबर 1 मॉन्स्टर, हैमर और बॉक्सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है ये व्लॉग जो मैंने बनाया हूँ अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को काइंडली लाइक जरूर करते जाए, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, अच्छे से रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय, मीट यू ऑल वेरी सून।